नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बरेली में। खबर, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बरेली से नरेंद्र शिवाजी पटेल को आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का निवेदन किया। बही बहनों के लिए मामा ने 1250 रुपए खाते में डालने की बात कही और बढ़ते क्रम में आने वाले समय में बहनों के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं किसान भाइयों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 2700 रुपए में गेहूं खरीदेगी सरकार। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एक मनोरंजन पार्टी कहा। वहीं शिवराज मामा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों ने तो सोशल मीडिया पर मेरा श्राद्ध ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि सुन लो कमलनाथ, सुन लो दिग्विजय सिंह, मामा मर भी गया तो राख बनकर अपनी जनता की सेवा करूंगा। रायसेन संवाददाता ब्रिजेश ठाकुर की रिपोर्ट। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राकेश जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए यूपी के मंत्री और हमारे मार्गदर्शक यहाँ दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामकिशन पटेल जी, हमारे युवा और लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे छोटे भाई नरेंद्र पटेल जी, आदरणीय रामकिशन जी पूर्व विधायक, हमारे दिलीप कुमार वर्मा जी आदरणीय पूर्व विधायक, सुधीर अग्रवाल जी, सुरेंद्र तिवारी जी, भगत सिंह गुप्ता जी।